गुड, ग्रेट, वंडरफुल। आइए बढ़ते आगे, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान है तैयार, सिद्धार्थ सेठानी साहब, आशीष चतुर्वेदी साहब, बिगुल के साथ होगा भव्य स्वागत। जुड़ चुके हैं हमारे साथ सिद्धार्थ सेठानी साहब भी, लेते हैं एसपीएल में उनकी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को, साथ ही साथ सारे ही दर्शकों को। अनिल जी, जो कुरकुरे भुजिया, एकदम जो मस्त क्रिस्पी भुजिया वाला स्टॉक लेके आया हूँ, वो है बीकाजी, बीकाजी फूड्स। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट आपको रखना है 900 रुपए का, 900 रुपीज का, विद अ डिस्क्लेमर 17 जून से हम रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ एक आध हफ्ते पहले से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली बीकाजी फूड्स जो भुजिया नमकीन कैटेगरी में है, स्वीट्स पापड़ गिफ्ट पैक्स में भी है, थर्ड लार्जेस्ट स्नैक मैन्युफैक्चरर, सेकेंड लार्जेस्ट पापड़ मैन्युफैक्चरर, कामकाजी मुनाफों की बात करें, फाइनेंशियल पे आते हैं तो 42% सीएजीआर से पिछले 3 साल से ग्रो हो रही है, 25 odd states pan India distribution network काफी strong है, brand equity को और strengthen करने की योजना है, साथ ही साथ volumes को और बेहतर करने की योजना है, margins expand हो सकते हैं, capex है कंपनी का, मुनाफा आप उम्मीद कर सकते हैं, CAGR 25% से ग्रो हो सकता है बीकाजी फूड्स का। इस पे खरीदारी की राय, लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं 900 रुपए का, 900। ओके, तो ठीक है, ये राय आपके लिए आती है इस वक्त। सिद्धार्थ सेठानी साहब से भी लेते हैं उनकी पोजीशन, बताएं सर। जी अनिल जी, खरीदना है सुजलॉन को, सुजलॉन जो जिसका टारगेट आपको रखना है 58 का विद डिस्क्लेमर, मार्च 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, विद लोअर लेवल्स, विंड टर्बाइन में है ये बिजनेस और 45 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सुजलॉन एनर्जी का, अदानी रिन्यूएबल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, ओएनजीसी, वेदांता, ये इनके मार्केट क्लाइंट्स हैं सुजलॉन के। चौथे तिमाही की आई भी 30% के वाईओवाई से ग्रोथ देखी गई और जो टोटल ऑर्डर बुक है वो करीबन 3.3 गीगावाट का है अभी भी, जो आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि मुनाफा 64% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, 25-30% का मार्केट शेयर जो है वो रिटेन करते हुए दिख रही है कंपनी, और स्ट्रॉन्ग एसेट सेल्स हो सकते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी है, और साथ ही साथ अभी हाल में 720 करोड़ का कैश भी है, तो जो पॉजिटिविटी देता है सुजलॉन को, टारगेट रखे पोजिशनली 58 का। और उनके टारगेट के लिए करें खरीदारी सुजलॉन में, ये राय आपके लिए। सिद्धार्थ जी, आपसे आपके शॉर्ट टर्म पिक रह गए, बताएं सर। देखिये दीपांशु, शॉर्ट टर्म पिक के लिहाज से मैं लाया हूँ वन ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय, टारगेट आप रखे 1885 का, 1885 का रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है, और IMFL की कैटेगरी में काफी अच्छा काम कर रही है, सबसे बेहतरीन कैटेगरी प्रेस्टीज एंड अबव है, जहां पे इनके ब्रांड में वॉल्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं, वन ऑफ द क्लासिक ब्रांड इज रामपुर, और इंडियन सिंगल मॉल्ट में काफी अच्छा काम कर रही है रेडिको खैतान। प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी 14% के वाईओवाई से तो ग्रो हो ही रही है, मैनेजमेंट अब उम्मीद कर रही है 15% के वॉल्यूम्स आ सकते हैं आने वाले समय में, प्राइस हाइक भी हुए हैं 15 स्टेट्स में, न्यू लॉन्चेस भी है, रेडिको खैतान 1885 के टारगेट के लिए खरीदे। रेडिको खैतान खरीदारी करने के लिए है तैयार यहाँ पर सिद्धार्थ सेठानी साहब। शॉर्ट विदा लेने का वक्त है, आशीष चतुर्मुता साहब और सिद्धार्थ सेठानी साहब का धन्यवाद एसपीएल के लिए, थैंक यू। पग्गा साहब का विशेष आभार दुनिया भर और भारतीय बाजारों में सारे एक्शन पर अपनी राय देने के लिए, धन्यवाद हमारे वांगले साहब का, जय ठक्कर साहब, धर्मेश कांत साहब और बाकी सभी मेहनत, कुणाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सैल्यूट के साथ हम करेंगे शो का समापन, आइए जय हिंद। Investments in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.